Hi friends, welcome back to all of you. In this video, we cover about that characteristic curve of centrifugal pump. Characteristic curve of centrifugal pump. Okay. So what is characteristic curve of centrifugal pump? And also briefly discuss about it. Okay. So let's start. My name is Ayush Mani Tripathi. If you are new subscriber, so no. If you are old subscriber, old viewer, then must you know that who I am, okay? Let's start. क्या होता है characteristic curve of centrifugal pump? इसके बारे में discuss करेंगे और साथ ही साथ ये भी चर्चा करेंगे कि brief, जैसे देखिए अभी आप नए हैं तो आपको ये बता दें कि इस चैनल पे पंप की सारी पॉइंट खत्म हो चुकी है. पंप मैंने शुरू से हमें लगता है कम से कम 20 से 25 वीडियो, अगर जहां तक मुझे अपने माइंड को रिकॉल कर पा रहा हूं, पढ़ चुकी है अभी तक. ठीक है, पंप को लेके, केवल पंप को लेके बात बोल रहा हूं. और पंप का हमने टाइप देखा, पंप क्या होता है देखा, पंप के हर एक जितने टाइप होते हैं आपके पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में जितने सारे पंप होते हैं, ठीक है, वो देखा हमने. पिस्टन, प्लंजर, डायाफ्राम सारे पढ़ा हमने. सेंट्रीफ्यूगल पंप चल ही रहा है जो डायनेमिक पंप में आता है, इसका भी हमने एनपीएसएच अवेलेबल देखा, एनपीएसएच रिक्वायर्ड देखा, सारा कुछ खत्म किया. मैंने बोला था दो टॉपिक बचा हुआ है, एक बचा है कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप और एक बचा है जो हम पढ़ेंगे सीरीज और पैरेलल पंप. तो आज कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पढ़ लेते हैं. क्या होता है, जब दिमाग में आता है कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, जैसे ही किसी के शब्द सुनने को मिलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है, मैं जहां तक समझ पाता हूं, जहां तक मैं अपना ये चीज समझता हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं, कर्व नाम आ गया मतलब कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कर्व से यहां बात होगी, बिल्कुल होगी, सारा खेल ही कर्व पे होगा, सारी जानकारी कर्व से मिलेगी. ठीक है, तो ये तो चीज क्लियर है कि कर्व से कुछ रिलेटेड बातें होंगी. अब आती है कैरेक्टरिस्टिक्स की बातें. जैसे मान लीजिए मैं देखो कोई भी चीज अगर आपको बताता हूं, तो मैं इंजीनियरिंग क्या है, केवल आपके दैनिक जीवन से आप जोड़ के समझोगे ना, तो वो चीजें बहुत जल्दी आप कैचअप कर लोगे. जैसे मान लीजिए कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप पढ़ना है, तो अभी इसको थोड़ा मैं साइड करता हूं. पहले मैं समझता हूं कैरेक्टरिस्टिक होता क्या है. होता ये है, जैसे मान लीजिए मैं अपनी बात करूं या हर एक व्यक्ति की बात करूं, किसी की बात करूं, तो हर एक व्यक्ति की एक लिमिट होती है. लिमिट अगर मैं आना कह के मैं यहाँ पे ये कहूँ कि हर एक व्यक्ति की अपनी एक हर एक पॉइंट पे सहने की क्षमता होती है. ठीक है, कि ये भैया यहाँ तक ये आदमी सहन कर सकता है, मान कोई बात ही बोल रहे हो ना, इस लिमिट तक इतना बोले, थोड़ा सा और बोलेंगे वो सह लेगा, थोड़ा सा और बोलेंगे वो सह लेगा. एक उसकी लिमिट होगी जहाँ उसके आगे नहीं सह पाएगा, तो हम क्या कहेंगे, इस व्यक्ति की ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. आई ये हम बोलते हैं कि इसके चरित्र का वर्णन किया गया, ये इतने स्तर पर यहाँ यहाँ तक ये काम करेगा. उससे ही कुछ जुड़ता हुआ है आपका पंप, यानी पंप के कैरेक्टरिस्टिक्स को ये बताएगा. कौन? सेंट्रीफ्यूगल पंप के कैरेक्टरिस्टिक को बताएगा ये कर्व. आई बात, इस कर्व के द्वारा हमें ये मालूम चलेगा कि कोई पंप, जिस पंप का हम कैरेक्टरिस्टिक्स करने जा रहे हैं, वह पंप का किस टाइम पे क्या फ्लो होगा, किस टाइम पे कितना प्रेशर होगा, किस टाइम पे उस पंप की कितनी एफिशिएंसी होगी, किस टाइम पे वो पंप कितना पावर लेगा. ठीक है, अभी आप समझ गए उसका होल समरी क्या है, कंक्लूजन क्या है, हमें लगता है आप ये समझ गए होंगे. ठीक है, अब अगर डिफिनीशन की बात करें, जैसे मान लीजिए अक्सर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है या रिटेन में पूछा जाएगा कैरेक्टरिस्टिक कर्व सेंट्रीफ्यूगल पंप का डिफिनीशन क्या है, तो वहां पे तो आप ये चीजें नहीं बोलोगे. ये तो रहा आपके, आपको एक तरह से जोड़ने की बात, मैं आपसे जुड़ रहा था एक थियोरेटिकल के तरीके से, एक एग्जाम्पल के तरीके से. कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप की अगर डिफिनीशन की बात करें, तो एक प्रकार का ग्राफिकल सिस्टम है, यह एक प्रकार का ग्राफिकल सिस्टम है जिसके थ्रू, अब आगे मैं डिफिनेशन की बात कर रहा हूं, कैरेक्टरिस्टिक कर्व एक प्रकार का ग्राफिकल सिस्टम है जिससे हमें ग्राफ के थ्रू यह मालूम चलता है कि यह पंप कितने प्रेशर तक, यह पंप किसी फ्लूइड को कितने मीटर तक ऊपर, यह पंप इस कर्व से यह भी मालूम चलता है कि कितना पावर यह लेगा पंप, इस कर्व से यह भी मालूम चलता है कि इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी. आई बात समझ में, ये कितनी एफिशिएंसी दे सकता है, ये सारी चीजें इस कर्व से मालूम चलता है. सपोज आप एक बात समझिए, ठीक है, ये मैं एक नॉर्मल फिगर बना दे रहा हूं किसका, कोई भी पंप आप समझ लो, ये आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप है. ठीक है, ये आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप है. अब होता क्या है, पहले समझ जाए कि कितने टाइप का होता है कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप. तीन टाइप के बेसिकली होते हैं. पहला होता है मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप. दूसरा होता है ऑपरेटिंग, ठीक है, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप. और एक होता है आपका कांस्टेंट, कांस्टेंट एफिशिएंसी ऑफ पंप. ठीक है,
ये तीन टाइम के बेसिकली आपके तीन टाइप के कर्व आपके पाए जाते हैं, ठीक है, ओके। एक मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ सेंट्रीफ्यूगल हो गया, या ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक हो गया, कांस्टेंट एफिशिएंसी ऑफ पंप किसका, कर्व के थ्रू, ठीक है, ओके। अब तीनों चीज इस वीडियो में कवर करना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगी, तो आज हम कोई भी एक टॉपिक पकड़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी चर्चा करेंगे, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में जाए क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगी। ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप इसको ऑपरेट करते हो, ये जो भी आपका इसी कर्व के अकॉर्डिंग ही आप उस पंप को ऑपरेट करोगे, इसीलिए इसका नाम पड़ा ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है। होता क्या है, जब आप पंप की डिमांड करते हो, ठीक है, एज ए इंजीनियर, आपने कोई केमिकल इंजीनियरिंग में हो या कोई भी प्रोडक्शन में हो या किसी भी प्लांट में हो या एज ए आप समझ लो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में ही हो, ठीक है, आपने पंप की डिमांड की और आपका डिमांड ये है भैया हमको जो भी फ्लो चाहिए 10 मीटर क्यूब पर आवर से चाहिए, ध्यान दीजिएगा 10 मीटर क्यूब पर आवर से, ये आपका क्या हो गया, फ्लो रेट हो गया, ठीक है, ये आपका फ्लो रेट हो गया, आपकी ये डिमांड है कि 10 मीटर क्यूब पर आवर चाहिए, ठीक है। अब आप कहोगे सर हमको 10 मीटर क्यूब पर आवर तो चाहिए लेकिन साथ ही साथ हमको एफिशिएंसी भी देखनी है, ठीक है, ओके। आप कहोगे भैया हमको पावर भी देखना है, ठीक है, आप कहोगे हमको NPSH भी देखना है, ये चार चीजें आप हमको बना के दो। अब चूंकि कस्टमर बहुत ज्यादा हैं, कस्टमर मार्केट में बहुत ज्यादा हैं, तो होता क्या है कि अब जब पंप मैन्युफैक्चरर होता है तो पंप की डिजाइनिंग ऑलरेडी पहले से करके रखा रहता है, क्या करता है, पंप का डिमांड वो पहले से ही करके रखा रहता है, और अब क्या है आपको पंप दे देगा। चलो हमें मान लिए आपने डिमांड किया 10 मीटर क्यूब पे और आपकी सारी ये बात बन गई, कल का आप पंप लेके गए अपने प्लांट में लगा दिया जहां भी, अब आपको डिमांड है 15 मीटर क्यूब पर आवर का, जो फ्लो है 15 मीटर क्यूब पर आवर चाहिए, आई बात समझ, ठीक है, आपको हेड 10 मीटर पे चाहिए 15 मीटर पे, अब आपकी डिमांड बढ़ गई, अब आपकी डिमांड है वो बढ़ गई, तो आप बढ़ा नहीं सकते, आप उसको बढ़ा नहीं सकते, तो उसके लिए वो क्या करता है, आपको एक कर्व बना के देता है, आई बात समझ में, जो पंप बना के दिया रहता है, जो भी इंजीनियर पंप को डिमांड करके दिया रहता है, जो पंप बना के दिया होता है वो आपको एक बुक की तरह होता है, उस बुक में एक कर्व बना रहता है और उस कर्व से आप ये पता करते हो कि कितने मीटर क्यूब पर आवर पे अगर दूंगा तो कितने हेड तक जाएगा, कितनी एफिशिएंसी होगी, कितनी उसमें पावर लगेगी, आई बात समझ में, इसीलिए हम कर्व की हमें नीड पड़ती है। अगर वन टाइम पड़े तो अगर मान लो हमें बस इतना हमेशा चाहिए 15 मीटर क्यूब पर आवर और हेड चाहिए 10 मीटर, समझ रहे हो, 10 मीटर आपने उसको बना के दे दिया और आप कहोगे लॉन्ग टाइम हमको चाहिए तो वो फिक्स करके दे देगा, कांस्टेंट स्पीड पे वो फिक्स करके दे देगा, आपको कभी नीड नहीं। लेकिन क्या होता है, अब वो केवल जो पंप बना रहा है केवल आपके लिए तो नहीं बैठा, उसके बाद बहुत सारे आप जैसे कस्टमर आते हैं, तो एक पंप को वो क्या करता है, किसी एक पंप पे रिसर्च करता है, एक पंप पे वो डिजाइनिंग करता है और उस एक पंप पे वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड पे, स्पीड समझ रहे हो, जो उसकी आरपीएम होती है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड पे वो डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है सेट करके रखा रहता है, जैसी आपकी डिमांड होती है वो आपको देता है, आप अपने प्लांट में ले जाके भी उसका वेरिएशन कर सकते हो, आई बात समझ में। अब थोड़ा ये तो रहा ओवरऑल रिव्यू में दे रहा हूं, अब मेन मुद्दे की बात आती है, अभी तक आपने समझा क्या मतलब होता है कॉन्स्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप में बेसिकली तीन चीजें हम देखते हैं, पहला फ्लो रेट वर्सेस हेड का, ठीक है, इसमें हम एक कर्व देखते हैं, दूसरा हम देखते हैं फ्लो रेट वर्सेस एफिशिएंसी का, ठीक है, ओके। तीसरा कर्व हम जो देखते हैं वो क्या होता है, फ्लो रेट वर्सेस पावर का, और एक और होता है जो होता है आपका फ्लो रेट वर्सेस NPSH, ठीक है। तो ये चार कर्व हम देख लेते हैं और इस चार कर्व से आप एक चीज तो समझ जाओगे, एज ए इंटरव्यू में अगर आपसे कोई पूछता है कि आप फ्लो रेट वर्सेज हेड का हमें कैरेक्टरिस्टिक कर्व समझा दो, या फ्लो रेट वर्सेज एफिशिएंसी का समझा दो, या फ्लो रेट वर्सेज पावर का समझा दो, आप बड़े आसानी से समझ जाओगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है ये वीडियो देखने के बाद। जैसे मान लीजिए जब हम कोई कर्व बनाते हैं तो दो आपका एक्सिस लेते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक आपका वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हम ये मान ले रहे हैं कि हमारा जो है फ्लो की बात होगी, यानी मीटर क्यूब पर आवर, ठीक है। दूसरा बात होगी गुरु इतना समझ जाना हेड की, हेड मतलब हम ये मान के चले हम ऐसे एज्यूम कर ले रहे हैं, यहां पे आपका जीरो रहा होगा, यहां 2 मीटर, यहां 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर, 12 मीटर,
आई बात समझ में? कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं बताता हूँ, आप कुछ देर पेशेंस बना के रखे रहिए, ठीक है। हमें मान ले रहे हैं यहाँ पे फ्लोर जो हमारा होगा यहाँ पे 2 मीटर क्यूब, आपका यहाँ 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10, यहाँ पे 15, यहाँ पे 20, ऐसा कुछ होगा। मैं एक आपको रैंडम डाटा दे रहा हूँ, वहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छे से रिटेन से लिख के दिया गया रहेगा वो चीजें। अभी मैं आपको एक रैंडम डाटा दे रहा हूँ। इस कर्व से क्या मालूम चल रहा है, अब देखना। आप एक बात जानते हो, अगर आप एज ए केमिकल इंजीनियर हो, और ये जब ये चर्चा मैंने कई बार की है, ठीक है, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर तब भी आप अच्छी तरह जानते होंगे, और ये चर्चा मैंने इसलिए बहुत पहले कर चुकी है, जब मैं सेंट्रीफ्यूगल पंप पढ़ रहे थे हम लोग, तो उसमें मैंने बताया था जब भी सेंट्रीफ्यूगल पंप को ऑपरेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, डिस्चार्ज को, अब देखना वो जो फिगर मैं बनाया था पंप का, जब भी हम सेंट्रीफ्यूगल पंप को ऑपरेट करते हैं तो हमारा जो ये आपका वाल लगा होता है वाल, वो डिस्चार्ज वाल बंद करके रखते हैं, उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल पंप को ऑपरेट करते हैं। क्यों, ये चर्चा मैंने किया है, फिर भी यहां बता दे रहा हूं। एक टर्म आता है हमारा टॉर्क, जिसे बल आघूर्ण बोलते हैं, अगर आप यूपी बोर्ड के हैं तो बल आघूर्ण बोलिए, सीबीएसई बोर्ड के हैं तो आप टॉर्क बोलिए, ठीक है। तो उसमें आपने देखा था, अब ये क्या होता है कि जैसे हम पंप को स्टार्टअप करते हैं तो अगर ये वाल्व खुला रहेगा तो बहुत ज्यादा टॉर्क बढ़ेगा, टॉर्क बढ़ेगा तो हमारे मोटर जो पंप को ऑपरेट कर रहा है, जो पंप को चला रहा है, उस पर बहुत ज्यादा लोड बढ़ेगा और पंप हमारा ट्रिप हो सकता है, जो हमारा मोटर है वो ट्रिप हो सकता है, बंद हो सकता है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होता है, जैसे मान लो हम, फिर बताया मैंने दैनिक जीवन से जोड़ रहा हूं, अगर मैं बोलूं किसी लिक्विड को आपको लेके, मैनुअली बोल रहा हूं, 2 मीटर से लेके 6 मीटर पे जाना है, और दूसरे आदमी से बोल रहा हूं भैया तुम भी 2 मीटर से 6 मीटर ही जाओगे, लेकिन 2 मीटर से उठाओ, 4 मीटर पे थोड़ा रुको, फिर कुछ देर बाद 6 मीटर पे जाओ, और ये दोनों काम मैंने आपको बांट दिया। अब जब दोनों काम करने के बाद आप दोनों लोग आओगे तो आप कहीं ज्यादा थके हुए पाओगे, मैं आपको जहां तक एब्जॉर्व कर पाऊंगा, और जो दूसरा बंदा होगा जो आपका 2 मीटर पे जाके 4 मीटर पे रुका और फिर जाके 6 मीटर पे गया, उसकी थोड़ी जो आपका आराम है उसके कंपेयर में वो आपसे कहीं ज्यादा रेस्ट दिखेगा, उसकी एनर्जी कम लॉस होगी। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि मैंने सडनली उसको आपको मैंने तुरंत करने के लिए कहा, और उसको मैंने क्या किया, एक बोला अपने, जैसे मान लो समझना बातों को, एक कोई भी स्पोर्ट्स का खिलाड़ी होता है, जब वो क्रिकेट खेल रहा हो या कोई भी खेल खेल रहा हो, फुटबॉल हो या वॉलीबॉल कोई, तो पहले वो वार्म अप करता है, पहले क्या करता है वार्म अप करता है, पहले वो अपनी एनर्जी धीरे धीरे क्या करता है बढ़ाता है, सडनली नहीं बढ़ाता है। सडनली जाओगे तो क्या होगा, मांसपेशियों में खिंचाव आता है, अक्सर आप देखते हो कहीं इधर आपको चोट लग सकती, इस ऐसे सेम आपका होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप, याद रखना मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ऐसा सेम होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप। इसको तुरंत हम वाल नहीं खोलते हैं, अगर आप खोलते हो तो आज से खोलना बंद कर दो, इसीलिए आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप ट्रिप कर जाता है, ठीक है। मैं इसलिए ऐसा बोला, ठीक है, कभी कभी आप देखते होंगे नहीं ट्रिप पकड़ता है, ठीक है भैया नहीं पकड़ेगा, उसका भी एक बेसिकली रीजन है, याद रखिए, इसलिए नहीं पकड़ रहा है क्योंकि जितना उसको मोटर की कैपेसिटी है उससे कम ही उसको टॉर्क मिल रहा है, इसलिए वो ट्रिप आपका टॉर्क नहीं हो रहा है। जिस दिन उससे ज्यादा टॉर्क मिल रहा गुरु, वो ट्रिप मार जाएगा। आई बात समझ में? इसलिए कभी भी पहले उसको तुरंत ऊपर जो डिलीवरी करना है तुरंत मत उसे दीजिए, उसको बोलिए, यानी आप जो पावर दे रहा है सेंट्रीफ्यूगल पंप को पावर दीजिए, लेकिन वाल डिस्क्लोज करिए, वाल आप बंद रखिए ताकि जो डिस्चार्ज ना कर सके वो पहले क्या करे, अपनी स्पीड मेंटेन कर सके। आई बात समझ में? ये बातें मैं क्यों इतनी देर चर्चा किया समझिएगा, जब हमने पंप को चालू किया तो हमारा फ्लो रहा जीरो, फ्लो क्या रहा हमारा जीरो, लेकिन उस पंप के अंदर जो इंपेलर है वहां पे प्रेशर तो सूटअप करेगा ना भैया। आप जैसे मैंने आपको बताया था किसी मटेरियल को आपको 2 मीटर से 6 मीटर लेके जाना है, नो डाउट आप उठाओगे ना भैया, आपकी एनर्जी तो लगेगी ना, ऐसे ही सेम है आपका हेड तो लगेगा, जितने मीटर पे उसको जाना है उतना तुरंत सूट अप करेगा, भले आपका फ्लो नहीं मिलेगा, फ्लो आपका जीरो मिलेगा, बात समझना, फ्लो आपका जीरो मिलेगा नो डाउट, लेकिन उसमें आपका हेड तो बढ़ेगा ना, होता है ऐसे ही। आप देखते हो अभी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके दैनिक में, आप ले लो गार्डन में या फिर घरों पे कार वॉश करते हो, गाड़ी धुलते हो, आप क्या करते हो पाइप को क्या करते हो आगे से थोड़ा दबा देते हो तो काफी प्रेशर से निकलता है आपका फ्लो, और जैसे ही उसको बढ़ाते हो फ्लो आपका तुरंत डाउन हो जाता है, आएगा लिक्विड आएगा नो डाउट, लेकिन पूरा पाइप खोलने के बाद उसका क्या होगा हेड गिर जाएगा। सेम ऐसे ही होता है, आपने फ्लो किया बंद वो तुरंत प्रेशर सूट अप करेगा, कहीं यहाँ या यहाँ पे कहीं एक जगह जाके वो बहुत ज्यादा सूट अप करेगा। हम यहाँ को मान लेते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं शट ऑफ प्रेशर, क्या बोलते हैं शट ऑफ प्रेशर, आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि शट ऑफ प्रेशर क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप में, तो आप बोलोगे जब हमारा फ्लो जीरो हो उस दौरान जो हमारा प्रेशर सूट अप करता है वो क्या होता है, जो हेड सूट अप करता है वो क्या होता है शट ऑफ हेड बोलते हैं या शट ऑफ प्रेशर बोलते हैं। आई बात समझ में? अब जैसे धीरे धीरे हम डिस्चार्ज वाल्व को खोल रहे हैं, ध्यान देना
जैसे जैसे मैं डिस्चार्ज वाल्व को खोल रहा हूं वैसे वैसे मेरा फ्लो भी गिरता आएगा। मैंने बोला था कि जैसे जैसे आप मान लो कोई गाड़ी का वास कर रहे हो या फिर अपने घरों पे या किसी फूल पौधों पे पानी दे रहे हो, जैसे जैसे आप उसका फ्लो क्या करो बढ़ाओगे, धीरे धीरे उसका फ्लो आपका कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता। आई बात समझ में? यही है आपका फ्लो रेट वर्सेस हेड का कैरेक्टरिस्टिक कर्व। अब देखना इससे फायदा क्या होता है। अब आते थोड़ी और इंजीनियरिंग में घुसते, इसमें फायदा ये होता है ना भाई, आप मान लो आपने कहा भैया हमको चाहिए 8 मीटर क्यूब पर आवर से, आपने क्या बोला हमको 8 मीटर क्यूब यानी इतना चाहिए फ्लो, आप तो बोल दिए, तो वो आपको जो पंप दे रहा होगा या अगर आपको नॉलेज है आप तुरंत इस कर्व को मिलाओगे, 8 मीटर क्यूब पर आवर से दे रहे हैं मतलब हमारा कहीं यहां जाके, यानी आप 8 मीटर क्यूब पर आवर तो ले लीजिए, आपको 8 मीटर क्यूब आवर से फ्लो तो निकलेगा, लेकिन याद रखिए जो आपका हेड है जिस हाइट पे आपको चढ़ाना है वो कहीं ना कहीं 7 kg, 8 और 6 के बीच में 7, वो 7 मीटर तक ही जाएगा। आई बात समझ में? आप इस कर्व को मिला के देख सकते हैं, इस कर्व से ये फायदा होता है। आई बात समझ में? इसीलिए एक जो भी पंप की डिजाइनिंग करता है, मैकेनिकल इंजीनियर हो या केमिकल इंजीनियर, जो भी डिजाइन करेगा वो आपको कर्व के थ्रू आपको समझाएगा। वो क्या, वो इतने सारे डिजाइनिंग करके रख लेता है और जिस पे, अब मैंने बोला ना ये जो आपको पंप देगा ना उस पे वो कांस्टेंट स्पीड कर देगा, उस स्पीड को कांस्टेंट कर देगा कि इतने स्पीड पे इतना फ्लो इतना आपको हेड मिलेगा। अगर आपको 10 चाहिए 10 ले लीजिए और 8 मीटर ले लीजिए, अगर आपको 15 चाहिए 15 ले लीजिए, ठीक है याद रखिए, लेकिन इतना ही चाहिए, फ्लो आपका कम हो जाएगा, याद रखिएगा। आई बात समझ में? ठीक है, मैं मान के चलता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है, अगर ये चीजें नहीं आई हैं तो आप कमेंट बॉक्स का सहारा लीजिए, नहीं तो नोट्स मिलता है, नोट्स में आपको समझाया जाएगा। अब आती है दूसरी बारी फ्लो रेट वर्सेज एफिशिएंसी। ये क्या होता है, सेम ये भी ऐसे रहेगा, ये भैया फ्लो एक्स आपका हो जाएगा एक्स एक्सिस, क्या है फ्लो रेट, और ये आपका एफिशिएंसी, ध्यान दीजिएगा इसमें भी सेम ऐसे, ये जीरो है आपका 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे मैं रैंडम डाटा ले ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे ये भी पकड़ ले रहा हूँ 10, 15, 20, 25, 30, ये आपकी एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी मतलब अगर आप यूपी बोर्ड के हैं तो एफिशिएंसी मतलब दक्षता, और अगर सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के हैं तो एफिशिएंसी कह के काम को चलाइए, ठीक है। अब होता क्या, आप पंप में जब आप पंप की डिमांड के, तो आपको केवल फ्लो रेट और हेड से ही काम नहीं चलेगा, आपको बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ेगा। एफिशिएंसी कैसी है आपकी पंप की, मतलब वो पंप कितनी एफिशिएंसी दे रहा है, मतलब कितना सही वो काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा दूसरा आप क्या देखोगे, अब देखो इसको भी अगर मैं आपको जोड़ने की कोशिश करूं, आप बाइक चलाते हो या फोर व्हीलर चलाते हो, उसमें क्या होता है एक रेड सिग्नल बना होता है, ग्रीन सिग्नल बना होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें एक सेट किया गया रहता है, आपको बताया गया रहता है कि आप इस स्पीड पर 40 मीटर क्यूब हो 60 मीटर क्यूब पर आवर हो इतने स्पीड पर चलाओगे तो आपकी बाइक या फोर व्हीलर जो भी है ना उसकी एफिशियंसी सही रहेगी, वो लॉन्ग टाइम तक आपकी एफिशियंसी यानी जो भी बाइक टू व्हीलर फोर व्हीलर जो भी है उसकी एफिशियंसी सही रहेगी, सही माइलेज देगा, सारी चीजें सही करेगा। ऐसे ही सेम होता है किसका, सेंट्रीफ्यूगल पंप का, वो हमें डाटा दे दिए रहते हैं कि अगर आप मान लो 8 मीटर पर चला रहे हो तो आपका 20 की एफिशिएंसी आएगी, 10 का चलाओगे तो 25 का आएगा, 12 का चलाओगे 30 का आएगा, लेकिन एक बात समझना इसमें भी क्या होता है, इसमें भी आपका थोड़ा सा ये, जैसे मान लो मैंने बोला बाइक में क्या होता है 40 का, अगर मान लो सपोज मान लो 40 मीटर क्यूब आपका 40 का रेट दे रखा है, 40 आपका किलोमीटर पर आवर दे रखा है कि आप इस स्पीड से चलाओगे तो आपकी एफिशिएंसी सही है, लेकिन आप ठहरे कलयुग जमाने के बच्चे, आपको क्या चाहिए 80 चाहिए 120 चाहिए, कलयुग के जमाने के बच्चे हम भी हैं, जाहिर सी बात है मैं अपने आप को आपसे अलग नहीं मान रहा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आप स्पीड बढ़ाओगे तो आपकी एफिशिएंसी एक टाइम के बाद क्या होगी, डाउन हो जाएगी, और ये जहां पे आपका हाईएस्ट सूटअप करेगा इसको बोलते हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी। आई बात समझ में? इस स्पीड पे यानी यहाँ पे ये भी जो भी आपका डाटा आएगा यानी 10 मीटर क्यूब पर आवर पे जो आपकी एफिशिएंसी आएगी बहुत ज़्यादा आएगी, इससे अगर आप ज़्यादा कर रहे हैं तो याद रखिए आपके पंप की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। आई बात समझ में? ये होता है आपका दूसरा फ्लो रेट वर्सेज एफिशिएंसी, मतलब आप केवल ऐसा नहीं कि आप बढ़ाते जाओगे फ्लो रेट तो आपका पंप सही काम करेगा, नहीं उसमें एफिशिएंसी भी डाउन होगी। आई बात समझ में? ठीक है। तीसरा जो है आपका वो क्या है, फ्लो रेट वर्सेस पावर, क्या है फ्लो रेट वर्सेस पावर, फिर वही कहानी
फ्लो रेट हो गया और ये आपका पावर हो गया। इसमें क्या होता है ना, इसे मान लो मैंने आपसे बोला कि फ्लो रेट हो गया आपका, एक मिनट, वीडियो को थोड़ा स्किप करना पड़ा, कट करना पड़ा, क्योंकि बाहर के अनवांटेड साउंड ज्यादा आ रही थी। ठीक है, अब है लास्ट आपका फ्लो रेट वर्सेस पावर। ये क्या होता है, अब देखो मैंने बताया आप हर एक चीज आपके हिसाब से होगी नो डाउट, लेकिन उसमें उसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन रहेगी। आपने देखा फ्लो आप ज्यादा बढ़ाएंगे तो हेड भी आपका कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें आपका क्या हो रहा है, एफिशिएंसी भी ध्यान देना है। एक ज्यादा आप फ्लो रेट के चक्कर में आपकी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी, धीरे धीरे आपका पंप डैमेज हो जाएगा। अब एक और आपका टर्म आ जाता है पावर, पावर समझ रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी, आपकी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा लेगी कोई भी पंप। तो आपको यह भी ध्यान देना है, जो केमिकल इंजीनियर है, जो मैकेनिकल इंजीनियर, जो भी इंजीनियर जो पंप को ऑपरेट कर रहा है, उसे बात आपको ध्यान में होना चाहिए, भैया ज्यादा आप फ्लो ले रहे हो नो डाउट ले लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा लगेगी। जैसे सेम ऐसे आपका ये जीरो रहा, यहां 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है, ये आपका ये भी पकड़ लो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये आपका पावर है, ये वाट की बात कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है आपसे ज्यादा। कहीं आप याद रखो शुरू में क्या होगा, आपने क्या रखा, वाल को क्लोज रखा, लेकिन पंप तो चालू हो गया ना, तो वो क्या होगा, सूट अप तो करेगा भैया, सूट अप करेगा, वो कुछ तो पावर लेगा। आई बात समझ में, जैसे मान लो आपने वाल तो क्लोज रखा, डिस्चार्ज, आप कहोगे वाल तो क्लोज है डिस्चार्ज तो हो ही नहीं रहा, तो हमारा कास्ट ये इलेक्ट्रिसिटी क्यों जा रही है, भैया अंदर का इंपेलर तो मूव कर रहा है ना, उसके अंदर जो आपका ब्लेड लगा हुआ है वो तो मूव कर रहा है, कुछ तो आपका इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, तो समझ लो हम यहाँ पे 4 वाट का हमारा इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है। ठीक है, एक टाइम के बाद आपने क्या किया, अब जाके डिस्चार्ज वाल धीरे धीरे खोला, आपको 8 m³/h चाहिए, आपने उस हिसाब से वाल को खोला, हमारा कांस्टेंट स्पीड है 8 m³ ही जाएगा। आई बात समझ में, ये बात याद रखिएगा मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमारा स्पीड इसमें कांस्टेंट होता है, कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो स्पीड होगा वो कांस्टेंट होगा। आई बात समझ में, तो ये आपका स्पीड कांस्टेंट होगा, मतलब इतना ही 8 m³/h से उसने सेट कर रखा है। अब आपने वाल्व कितना भी खोलो कोई दिक्कत नहीं, वो देगा 8 m³/h ही। ठीक है, आपने किया, अब क्या होगा, पावर बढ़ेगा बढ़ेगा धीरे धीरे, पावर क्या होगा, आप देखोगे सूट कर रहा है, क्यों सूट कर रहा है भैया, क्योंकि आप जैसे अगर आप 8 चाहिए तब तो ठीक है, 8 पे आपका इतना हो जा रहा है नो डाउट। आई बात समझ में, ठीक है, 8 पे आपका यहाँ के आसपास आपका कहीं ना कहीं जाएगा। ठीक है, यानी 9 के आसपास, 9-8 के आसपास आपका एनर्जी जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी लेगी। जैसे जैसे आप आगे आगे बढ़ते जाओगे ना भैया, वैसे वैसे आपका कास्ट भी बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी भी बढ़ती जाएगी। आई बात समझ में, ये हुआ आपका फ्लोरेट वर्सेस पावर। यानी केवल आप फ्लोरेट और पावर को, आप केवल फ्लोरेट बढ़ाने से ये नहीं, पंप की आपकी फ्लोरेट बढ़ गई तो ठीक है, आपको पैसे अगर बचाने हैं तो इलेक्ट्रिसिटी भी देखनी होगी, आपको पंप बचाना है तो एफिशिएंसी को भी ध्यान में रखना होगा। आई बात समझ में, अब क्या होता है कई जगह पे आपको थोड़ा सा फंसाने के लिए सारा बोला जाएगा एक ही फिगर में आप ड्रा करो। आई बात समझ में, आपका एक टर्म छूट रहा है फ्लोरेट वर्सेज एनपीएसएच, ये बड़ा मेरा समझिए कि इंटरेस्टेड टॉपिक है, मैं काफ़ी इसमें एनपीएसएच पे मतलब मुझे इंटरेस्ट आता है, इसलिए मैं सोच रहा इसको एक ब्रीफली डिस्कस करूं एक सेपरेट वीडियो में। आप इसमें समझ लीजिए, कभी कभी क्या होता है ये सारे फिगर को एक ही में ड्रा कर देगा। आई बात समझ, यानी फ्लोरेट आप जो रहेगा, फ्लोरेट आपका और ये एफिशिएंसी, फिर आपका पावर, फिर आपका हेड, तीनों चीज कहेगा बताने के लिए, तो कुछ नहीं करना है। सेम मैंने बोला हेड आपका क्या होगा, ये आपका मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10 कोई भी रैंडम डाटा पकड़ लीजिए, ठीक है, ये भी पकड़ लीजिए 5, 10, 15, 20, 25, लेकिन इसका मतलब अलग अलग हो जाएगा। याद रखिए फ्लोरेट तो आपका सेम है, दो आपका फ्लोरेट जितना होगा सब m³/h में बात हो रही है, लेकिन अगर आप हेड की बात करेंगे तो 5 m हो जाएगा। आप वहीं पावर की बात करोगे तो आपका वाट में बात हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी की बात होगी, वहीं एफिशिएंसी की बात करोगे तो नीटा उसकी बात होगी। ये बातें आप ध्यान में रखना। अब क्या होगा, पहला फिगर आपका बनेगा कुछ ऐसा, ये किसका हुआ, ये होगा आपका क्यू वर्सेस, ये m³/h फ्लो की बात हो रही है, ठीक है, आप हेड भी बोल सकते हो, क्यू वर्सेस हेड, ठीक है, ये आपकी ये वाली बात हो गई, कुछ ऐसा आएगा। दूसरा आप देख लोगे पावर, मैंने क्या बोला, पावर धीरे धीरे सूट अप करेगा, धीरे धीरे सूट अप करेगा धीरे, तो ये क्या हो गया, क्यू वर्सेस आप वाट बोल सकते हो, ठीक है, कुछ ऐसा फिगर होगा। तीसरा क्या है आपका,
की ओर से पावर हो गया एफिशियंसी। मैंने क्या बोला, धीरे धीरे एफिशियंसी क्या होगी, बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। एक टाइम का ज़्यादा अगर आप एफिशियंसी बढ़ाओगे फ्लो, तो एफिशियंसी डाउन भी होगी। इसको बोलते हैं मैक्सिमम एफिशियंसी पॉइंट, इसको बोलते हैं सटअप पॉइंट। ठीक है, आपका तीनों हो गया, यानी कौन कौन सा हो गया, एफिशियंसी हो गई, पावर हो गया, हेड हो गया। ये तीनों डायग्राम कहीं कहीं आपको बुकों में एक जगह देखने को मिल सकता है। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। इसमें मैंने देखा हर एक पंप में, हर एक फ्लो पे आपका हेड एफिशिएंसी और पावर वेरिएबल हो रहा है, वेरिएशन कर रहा है। तो ये चीजें आपसे इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं। उम्मीद करता हूं ये जो टॉपिक मैंने डिस्कस किया आपसे, वो चीजें आपको थोड़ी मोड़ी डाउट बची होगी, बाकी ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर कोई भी आपको डाउट है आप कमेंट बॉक्स का सहारा लीजिए, नहीं तो उसके पहले मैं तो आपको सुझाव दूंगा, नोट्स मिलेगा, नोट्स से आप डाउट को क्लियर करिए। फिर भी अगर वो चीजें समझ में नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में आपको एक नंबर दिया जाएगा, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आप उस चीज की नॉलेज ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माई दिस वीडियो।